अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सनी और आज फिर एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन लेके हाज़िर हुआ हूं। ये है जो हम फ़ोटो के फ्रेम लगाते हैं, तो बहुत क्लास के फ्रेम हैं इसमें और उम्मीद करता हूं कि इससे पहले आप दोस्तों ने ये फ्रेम नहीं देखे होंगे। तो वो फ्रेम हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमने सिंपली प्ले स्टोर पर आना है और यहाँ पर हमने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और एप्लीकेशन का नाम है 3D फ्रेम और इसको आपने क्लिक कर लेना है। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे 3D फ्रेम को, तो उसके बाद हमारे पास मुख्तलिफ फ्रेम आ रहे हैं, लेकिन इसमें जो 3D फ्रेम इफेक्ट एंड वॉलपेपर लिखा हुआ है ये आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है। और इसकी रेटिंग जो है 4.6 है, बहुत क्लास की ऐप है, इसको आपने यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल फ्रेंड फॉर यू को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू वीडियोज़ मिलती रहें और उसके साथ जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ज़रूर ऑन करें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ, बैक आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद हम आ जाते हैं 3D फ्रेम पर। तो हमारे पास ये 3D फ्रेम है, हम इसको ओपन कर लेंगे। तो हमारे पास 3D फ्रेम ओपन हो चुका है, तो यहाँ से हम कैमरे के ज़रिए दोबारा नई तस्वीर बना सकते हैं। अगर आप गैलरी में मौजूद हो तो आप वो भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ से कोई एक तस्वीर ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो मैं मसलन ये तस्वीर ले लेता हूँ, हमारे पास ये तस्वीर मौजूद है, तो यहाँ से हम इसको क्रॉप कर लेना है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर मैं इसको क्रॉप कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ, हो चुका है। अब हमारे पास फ्रेम की बहुत बड़ी वैरायटी है, सिर्फ आप देखते जाएं कि क्या क्या फ्रेमिंग है। तो ऐसे इफ़ेक्ट हैं जो आपने इससे पहले कभी नहीं देखे होंगे, ये देखते जाएं, ऐसे क्लास की इफ़ेक्ट हैं। अब इसमें फ़ोटो को आप आगे पीछे ऊपर नीचे छोटा बड़ा ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो ये देख लें, यहाँ पर इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे इस फ्रेम के हिसाब से, ठीक है जी। आगे चलते हैं, इस तरह आगे आए आगे आए। तो इसमें मकसद इतने क्लास के हैं कि आप वाकई हैरान रह जाएंगे। अब इसको देखें कितना क्लास का है, तो आगे चलते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। तो आप जो फ्रेम मकसद है लेना चाहेंगे उसी के हिसाब से अपने फ़ोटो को बड़ा छोटा कर सकते हैं, और जो आपको पसंद आता है तो उसको आप सेव भी कर सकते हैं। तभी मैं आपको सिर्फ फ्रेम दिखा रहा हूँ कि उसमें कितनी वसी वैरायटी मौजूद है, आप सिर्फ देखते जाएं। फिर बाकी आप सेटिंग तो खुद भी कर सकते हैं। जी तो इस तरह एक बहुत बड़ी वैरायटी है इसके अंदर, बहुत बड़ी वैरायटी और बहुत क्लास के फ्रेम है उसके अंदर। सर देखते हैं, आपने जो फ्रेम लगाना होगा आप उसी के हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेंगे, ये देखते हैं। जी तो इसमें बहुत क्लास के फ्रेम है इस तरह, और जब ये फ्रेम आप बना लेते हैं तो उसको आप जस्ट ऊपर जो सेव का ऑप्शन है इससे आप इसको उसी वक्त सेव कर सकते हैं। तो अभी ये फ्रेम मैंने मसलन बना लिया और आपको यहाँ मैं से अगर दिखा देता हूँ, या मुझे ये ओके है तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ये सेव मैं जैसे क्लिक करूँगा, ठीक है, तो एक ऐड आएगा और उसको हमने बैक कर लेना है। तो अभी हमारे पास ये तस्वीर सेव हो चुकी है, तो अगर आप गैलरी में जाकर देखना चाहें तो आपके पास महफूज होगी, ठीक है जी। तो इसमें जो वैरायटी है इफ़ेक्ट की वो बहुत ज़्यादा है, इतने इफेक्ट हैं कि मैं अभी आपको इस टाइम नहीं दिखा सकता हूँ। तो उसके साथ साथ इसमें हमारे पास नेक्स्ट इसके ऊपर मुख्तलिफ एनिमेशन लगा सकते हैं, ये देख सकते हैं आप, इस तरह आप कोई भी एनिमेशन इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास एनिमेशन की भी बहुत बड़ी वैरायटी है, ठीक है जी। तो एनिमेशन आप इसमें ऐड जिस तरह की करना चाहें वो आप एनिमेशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बड़ा छोटा उसको कर सकते हैं। उसके बाद अपना आपसे कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। उसके बाद आ जाए इसकी कलर बैलेंस पे, तो इसमें मुख्तलिफ कलर के भी इफ़ेक्ट हैं, जो आप कलर अगर इसमें लगाना चाहते हैं वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। और उसके बाद इस तस्वीर के साथ जितनी वाइटनेस कम बढ़ा ज़्यादा करना चाहते हैं वो भी यहाँ से आप कर सकते हैं।
उसके बाद टेम्परेचर है और बहुत कुछ, मकसद कहने का इसमें बहुत बड़ी वैरायटी है। उसके बाद टेक्स्ट के ऊपर आप कुछ लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो मैंने सनी लिख दिया, ओके कर लेते हैं, तो उसके ऊपर सनी आ चुका है, तो उसको जहाँ आप रखना चाहते हैं वहाँ रख के इसको सेव कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों उसमें मुख्तलिफ ऑप्शन और भी बहुत सारे हैं जो आप मकसद खुद कर लेंगे, क्योंकि अगर मैं इस पर सारे पे बात करता रहूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो मैं यही पे इख्तिताम करता हूँ और आप इसको मुकम्मल चेक करें तो ये बहुत ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।